हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम वो अपनी जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से पूरी करनी होंगी, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम आपसे आज से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेज की सीरीज। और ऑनलाइन क्लासेज की सीरीज में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले वो स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स, जिस भी कोर्स में आपका इकोनॉमिक्स होता है वहाँ आप हमारी ऑनलाइन के क्लासेस के माध्यम से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड। सामने लिखा हुआ है डिमांड, और पहला जो एक प्रश्न लिखा हुआ है, व्हाट इज़ डिमांड। जैसे ही मेरे सामने कोई डिमांड का क्वेश्चन आता है या मन में आता है कभी कि डिमांड क्या होती है, तो डिमांड का मतलब आता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के समझ में जो आता है डिमांड का मतलब, वो ये समझ में आता है कि कुछ खरीदने की इच्छा है वही तो डिमांड है, कुछ खरीदने की इच्छा है वही तो डिमांड है, या कुछ खरीदने का मन है वही तो डिमांड है। नहीं स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में जो डिमांड का मतलब होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब हम तीन बातों से समझ में आता है। जैसे ही तीन बातें ये हमारी एक साथ होती हैं, इन तीन बातों को, इन तीन शर्तों को हम पूरा करते हैं तो डिमांड हमारी बन जाती है। कौन कौन सी तीन बातें होती हैं, कौन कौन सी तीन शर्तें होती हैं, तीन शर्तें ये होती हैं। सबसे पहली होती है डिजायर, मनी और रेडी टू पे। कौन कौन सी तीन शर्तें होती हैं स्टूडेंट्स? पहली होती है डिजायर, सेकंड होती है मनी, और थर्ड होती है रेडी टू पे। डिजायर, कुछ खरीदने की इच्छा होना, जैसे कि क्या खरीदने की इच्छा होना, यार मेरा एक मन है मोबाइल फ़ोन खरीदने की इच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है इस चीज़ के लिए। क्या नहीं है मेरे पास? पैसा नहीं है। अगर मेरी मोबाइल फ़ोन खरीदने की इच्छा है और मेरे पास पैसा नहीं है तो कभी भी ये शर्त क्या है मेरी पूरी नहीं हो पाएगी, कभी भी वो डिमांड नहीं बन पाएगी। मेरे डिजायर है मोबाइल फ़ोन खरीद लूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो डिजायर का होना ज़रूरी है, पैसे का होना ज़रूरी है, और खर्च करने को भी तैयार होना ज़रूरी है, यानी विलिंगनेस भी होना ज़रूरी है। तो तीन बातों से मिलकर डिमांड बनती है, डिजायर, मनी और रेडी टू पे। स्टूडेंट्स, आपके समझ में दो बातें मुझे लग रहा है अच्छे से आ रही होंगी, कि डिजायर किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा होना और मनी पैसा होना उस व्यक्ति के पास, लेकिन रेडी टू पे या विलिंगनेस आपके समझ में मुझे लग रहा है कि वर्ड हो सकता है नहीं आ पा रहा हो। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि रेडी टू पे या विलिंगनेस क्या है। चलिए, आपके सामने दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, एक रामलाल और उनके पिताजी बराबर में खड़े हुए हैं श्यामलाल। श्यामलाल ने अपने बेटे रामलाल को 10,000 रुपये दिए और कहा कि बेटा लो इन्हें ले जाके घर रख देना। जैसे ही रामलाल उन पैसों को ले जाकर घर ले जा रहे थे तो रास्ते में उनके मन में ख्याल आया कि यार मेरा मोबाइल फ़ोन खरीदने का मन है। अब उनका मन भी है, इच्छा है उनकी मोबाइल फ़ोन खरीदने की, और उनके पास पैसे भी हैं, तो क्या उस पैसे को वो खर्च कर सकते हैं? नहीं, उस पैसे को वो खर्च नहीं कर सकते। तो यही क्या है? विलिंगनेस, यानी आपके मन भी होना और आपके पास पैसा भी होना, क्या आप उसे खर्च करने को तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, यही क्या कहलाता है? विलिंगनेस कहलाता है। ठीक है, और कुछ लोग थोड़े लालची टाइप के होते हैं, वो भी पैसे खर्च नहीं कर पाते, उनका मन भी होता है किसी वस्तु को खरीदने का, उनके पास पैसा भी होता है लेकिन वो खर्च नहीं कर पाते, तो डिमांड नहीं बन पाती। तो तीन बातों का होना जरूरी है, सबसे पहला डिजायर, इच्छा, मनी मुद्रा और रेडी टू पे, खर्च करने को तैयार। आगे चलिए, आगे समझते हैं इसके बाद। यहाँ डिमांड के बारे में मैंने थोड़ा सा मैटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड अवेल टू पे एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मांग एक वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने को इच्छुक और समर्थ है, यानी उसकी इच्छा है और उसे खरीदने के लिए समर्थ है, तो वो क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो कारक लिखे हुए हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर जो